वेलकम बैक माय ऑल फ्रेंड माय अदर एपिसोड ऑफ स्टोरर। मैं हूं और आप देख रहे हैं वीसी गेमिंग 2.0। एंड दिखा तो आज हम लोग और कोई ना कोई मिशन कंप्लीट करेंगे। देखा जाए तो अभी दिखा तो मैं ब्लैक रिवर जो है उसके ही अंदर के जितने मिशन है वो सारे कंप्लीट कर रहा हूं। आई थिंक शायद वो कंप्लीट होने के बाद में जो आगे के जो बड़े बड़े लेवल नेशन में जाके मतलब करना पड़ेगा, फिर दूसरे स्टेट में जाके मतलब मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा वो देखेंगे। इसमें की एक साथ मुझे मल्टीपल चीजें लेके जानी पड़ेगी एक से दूसरी जगह, तो पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि ये सब कंप्लीट करने के बाद चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो जो भी है, तो आप बिना पास के लेट्स द बिगिन। ओके, सो हियर वी आर। एंड चीजें रेंडर हो चुकी है। एंड देखा तो मैंने इस कार में मतलब इस ट्रक में एक चीज कस्टमाइज की है जो की है गियर बॉक्स। तो देखा तो मैंने गियर बॉक्स जो है वो फ्री वे लगा दिया। इसमें मुझे ज्यादा क्या कहते हैं हाई गियर्स मिलेंगे, ज्यादा रफ्तार मिलेगी, तो वही है। एंड इंजन में भी देखा जाए तो मैं यही रहने दूंगा, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बस यही दिखाना तो और कुछ नहीं है। तो दिखा तो आज हम लोग देखते हैं अपना क्या मिशन होने वाला है। सो टास्क गिवर रिवर रिपेयर। सो मैं पहले ख्याल से मैं यही लूंगा रिवर रिपेयर का। तो पहले मुझे वहीं पे जाना होगा क्योंकि भाई उधर से ही चालूंगा। एक मिनट, डिलीट ले वे पॉइंट, मूव सिलेक्ट, नेविगेशन सिलेक्ट, मार्क क्लोज। ठीक है, नहीं नहीं ये वैसे टाइप का नहीं जो मैं जैसे मैं बता रहा था। ठीक है, इधर ही आते तो भाई मैं पहले कर लेता हूँ। वैसे दूर कितना है? ओके, मुझे यहाँ से जाके यहाँ से ऊपर होके या फिर यहाँ से टर्न लेके यहाँ से दायां बाएं करते हुए वहाँ तक पहुँचना होगा। ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। तो वो सब आपको नहीं देखने मिलेगा क्योंकि वो सब बिना टाइम मतलब बिना मतलब तो कुछ है। तो सीधे सीधे बाहर निकलता हूँ एंड वापस जब मैं यहाँ मिलूंगा तो सब कुछ रेडी होगा। तो भाई लेट्स गो। ओके, ऐसा देखा तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ वापस। तो ट्राई करते हैं मतलब अपनी ये ट्रक है भाई अभी के लिए। सो पिछली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे, इस बार प्रॉपरली सब कुछ करेंगे। तो देखा था सबसे पहले मुझे यहाँ से चीज़ें लोड लेनी है स्क्वायर पार्ट्स। उसके बाद मुझे सीधे सीधे आना है मतलब लकड़ी लेने के लिए, वुडन प्लैंक जो भी करके यहाँ से लेना है। एंड उसके बाद सीधे सीधे हम लोग को यहाँ से होते हुए यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि मैं ये वाला रास्ता नहीं आ सकता हूँ। ये वाला रास्ता बस छोटे जो ट्रक्स होते हैं उनके लिए, ना कि मुझे से मतलब बड़े ट्रक्स के लिए। तो मैं यहाँ से जाने की कोशिश करूँगा। तो चालू करते हैं। और जाने से पहले मैं एक ले लूँगा भाई, भरोसा नहीं है, काम आएगा। ओके, सो लेट्स गो। देखते हैं भाई छोटे हाथी में कितना दम है। पहले अगर नहीं हुआ तो फिर दो चक्कर मारेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते भाई, आराम से। देखा तो मैं और भी ट्रक यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो मतलब इतना ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाएंगे उनका, फिर मतलब उतना पावर यूज करके कोई मतलब नहीं है फिर। ओके, ये अभी मस्त जा रहा, लेकिन धीरे धीरे ये भी थकना चालू करेगा। इस बार मैं ब्रिज वगैरह जो भी है वो यूज करूंगा शायद, अगर ये ज्यादा टाइम लेगा तो। मगर देखा तो आराम से निकल रहा, तो मुझे लगता नहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत है। यस, आराम से निकल रही है। हाँ, क्योंकि मैंने इसको इस बार लोअर पे नहीं रखा हुआ है, तो इसलिए आराम से निकल रहा है, जल्दी जल्दी निकल रहा है। ठीक है, फिर यही करेंगे। वैसे ही पेट्रोल की कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी है अपने पास पेट्रोल भरवाने के लिए, तो आराम से चलते हैं। यस, निकल गया आराम से, इस बार जल्दी निकला। अब से ही ड्रैगन की वायर लोअर पे नहीं रखेंगे।
भले ही पेट्रोल क्यों क्यों ही ज्यादा पिए ये। क्या लगता है इतनी चढ़ाई पे दूसरे तीसरे गियर पे आएगा? ना नहीं आने वाला। चलो कोई नहीं, आगे से चल के हो जाएगा तीसरे गियर पे। हाँ फिर से गियर एंड ये पत्थरों की वजह से दिक्कत पैदा करता है ये। चलो कोई नहीं, निकल गया। मुझे AWD ज़्यादा यूज़ नहीं करना वरना पेट्रोल ज़्यादा खाए रही है, जितना हो सके बिना AWD यूज़ किए चलना होगा। हाँ हाँ तीसरे गियर पे पहुँचाता ये। अभी पहले गियर पे ही है, निकलेगा लेकिन धड़ाधड़। दूसरा तीसरा चौथा थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जाना होता, लेकिन चलो ठीक है। ओके डन एंड ओके सर्विस स्पेयर पार्ट्स, ठीक है डन। दोनों हमने ले लिए हैं। अवॉइडेड वुडन प्लैंक चाहिए, आई होप इतने में आ जाएगा वरना हमें दो बार राउंड लगाना पड़ेगा। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। देखा तो अब जहाँ पे जाना वहाँ करा समझ याद है, तो वापस मैप पे ट्रेस लगाना जरूरी नहीं है। आराम से मैं भूल गया था कि मैं लगातार एक्सेलरेशन बढ़ाते जा रहा हूँ। ओके ग्रेट एंड लेट्स गो। वेल दाबा दाबे भी करके चल के हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा।
ये जल्दी जल्दी के चक्कर में पेट्रोल बहुत पी रहा है ये। बस अब निकल ही जाएगा, अब कोई टेंशन नहीं है। निकल गया। अब समझ में आ गया कि भाई जब दूसरा गियर पकड़ ले WD पे तो समझ लो भाई अब गियर कम करना पड़ेगा। देखा तो AWD पे आसानी से गियर मतलब ऊंचे पे ऊंचा जाने लगता, मतलब बढ़ाने लगता अपना, लेकिन बिना AWD के ये करना इतनी मुश्किल हो जाता थोड़ा। खैर कोई बात नहीं, पेट्रोल ख़त्म हुआ तो हम लोग अपनी दूसरी गाड़ी से आ जाएंगे। अभी 202 लीटर बचे हुए हैं। आराम से ऐसा ना कि भाई सस्पेंशन की अभी से ही लग जाए। वेल अगर ये बिना किसी दिक्कत के ये मिशन हो गया वापस बिना रिकॉर्डिंग किए तो ज़्यादा सही जाएगा मेरे लिए। अभी रफ्तार नहीं पकड़ेगा मेरे ख्याल से ज़्यादा। नहीं अभी अपने चौथे गियर पे रहेगा ज़्यादा करके। ओके पांचवे पे आ गया, बस बोलने की दे रही थी ना, एक पे आ गया। होल्ड इट, मुझे डाउट लग रहा है कि मैं भूल ना जाऊं। ओके तो मुझे याद रखना होगा कि मुझे यहाँ से टर्न लेना है। अगर मैं भूल गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, मैं आगे निकल जाऊँगा, और अगर आगे निकल गया तो वापस यहाँ पे आने के लिए बहुत भूल घुमाटा है। फिर यहाँ से वही करते हुए मुझे यहाँ से वही निकल के फिर यहाँ से टर्न लेके यहाँ से करके वहाँ यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है लेट्स गो। आई होप एक राउंड में हो पाए, मुझे लग तो नहीं रहा कि एक राउंड में हो पाएगा। पांचवे गियर पे ये भाई आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगता, मतलब जो पीछे हम लोग ने ट्रेलर लगाया हुआ है या बोगी कह सकते हैं, उसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं ट्रक का संतुलन बिगड़ने लगता है। ओके आराम से अभी पांचवे गियर पे, मुझे ध्यान रखना होगा वरना ये पलट जाएगी या ठुक जाएगी पूरी तरह से। चलो कोई बात नहीं, मैंने रफ्तार घटा ली ढलान का मतलब चढ़ाई का इस्तेमाल करके। ओके अब मुझे याद रखना कि पिछली बार जैसे मैं घुसू नहीं अंदर। ज्यादा ही रफ्तार कम हो गई। चलो कोई नहीं, मुझे लग रहा है कि भाई लकड़ी नहीं आ पाएगा पूरा। देखते हैं क्या होता है। ये रास्ते पे मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, ये रास्ता ज्यादा यूज होता नहीं। अरे अरे भैया ओहो सस्पेंशन गया मेरा पूरी तरह से। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से कूदा लेकिन कूदा। सस्पेंशन मेरा आई थिंक शायद 45% तक तो यूज हो चुका है, 25% तक डैमेज हो चुका है पता नहीं, लेकिन लगता है कि पत्थर वत्थर से उछड़ चुका। और देखो भाई जो मेरे ट्रक का ढांचा है वो भी मुड़ तोड़ गया है, तो हाँ नुकसान हुआ मुझे। चलो कोई नहीं होता रहता है। ऑलरेडी ये कहीं और भी उठाने का दिखा रहा है। अच्छा हाँ यहाँ पे ट्रेलर है इसका, लगता है ट्रेलर बाद में आ जाता है अपने आप।
खैर जो भी है, मुझे लगता कि मैं ट्रेलर के पीछे एक और ट्रेलर लगा सकता हूँ या लगा सकता हूँ। वेल नहीं लगा पाया तो देखते हैं पहले क्या होता है। ओके वुडन प्लैंक, ओके ठीक है, वुडन प्लैंक्स ठीक है, दो आ चुके हैं। एंड भाई अपनी ट्रक अब वाकई ओके भाई, मैं बार बार वही स्पेस मतलब वही टच पैड दबा दे रहा हूँ। असल में टच पैड PS4 में मतलब मैप दिखाने काम करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो। तो भाई मैं फटाफट कर देता हूँ सारे मार्ग ताकि मैं आराम से निकल पाऊँ। तो भाई लेट्स गो, ओके सब कुछ रेडी एंड लेट्स गो। इस बार मुझे थोड़ा ध्यान से चलना होगा क्योंकि पीछे भी लोड है। वैसे देखा तो अपने आप ही ये गियर घटा ही लेगा क्योंकि अब चढ़ाई है, तो थोड़ा चौथे गियर पे यहाँ पे हम रुक जाएंगे। यस पहले गियर पे आ गए। ओके देखा तो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वही फोटो मोड जो होता है वो लेने के लिए बस बीच में रुका था। एंड रफ्तार ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आगे कुछ ज्यादा चढ़ाई आ जाए और ये चढ़ ना पाए। कल देखते हैं, लास्ट ऑप्शन फिर वही AWD बचेगा। अगर उतने पे भी नहीं हो पाया तो मुझे कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट बुलाना पड़ेगा। आराम से क्योंकि ट्रक को ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। दिखा तो यहाँ पे चीजें उड़ रही हैं लेकिन दिख नहीं रही है सामने। क्या दिख रही है? नहीं, यहाँ पे चीजों की ये बस आवाजें आ रही लेकिन यहाँ पे कोई जिंदा चीज सामने नहीं दिख रही। ये एक अजीब बात है। चलो कुछ हुआ तो नहीं। ओके आराम से ध्यान से, अब ये कीचड़ वाला हिस्सा है देखते वहां पे ट्रक की क्या हालत होती है। अभी तो मस्त गया था अभी तक के लिए। ओके AWD ऑन। ओके अब धीरे धीरे काम करेगा। अब ये मतलब सही जा रहा है भाई, मतलब मैंने पहले ही कहा था कि इतने वेट के साथ साथ दिक्कत हो सकती है। ओके अब रफ्तार बढ़ा रहा तो मेरे ख्याल से अब निकल जाएगा। ये निकल गया पक्का ना? हाँ इतना पेट्रोल है कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए। 130 लीटर बचा हुआ है। ओके 129 लीटर। यस मस्त जा रहा है अभी अपना ट्रक। निकल जा निकल जा निकल जा। यस निकल गया। अब आई चढ़ाई वाली बात, और अभी तक मैं AWD यूज कर रहा हूँ। देखते यहाँ पे क्या हालत होता है। लोअर पे चढ़ पाएगा? मेरे ख्याल से ये उतना मतलब करने की जरूरत नहीं है, आराम से चढ़ जाएगा। ये AWD बंद कर देता हूँ। आगे पत्थर आए, ओप्स इस ट्रक को लगे नहीं ज्यादा, वैसे मैं बचा के जाऊंगा। भाई छोड़ो यार, रिस्क नहीं लेना है इतना आगे आके।
शायद आगे से जाऊं। डस्टबिन गया, चलो कोई बात नहीं है। पेड़ पेड़ पेड़, यस पेड़ को भाई हमने गिरा दिया है। ये आगे बड़ा पेड़ है, इसको नहीं गिरा पाएंगे, तो आराम से कायदे से जाना है। ओके गुड, वाई कार्गो अनलोड अनलोड एंड वुडन प्लैंक अनलोड अनलोड। यस, वैसे इससे हुआ क्या आखिर? पहले देखा तो एक ही बार में सब कुछ होगा, ये पहली बार ऐसा हुआ है। कुछ हुआ क्या भाई इससे? नुकसान फायदा कुछ दिखा तो नहीं रहा है। खैर जो भी है, तो देखा तो आज का हम लोग ने कर लिया टास्क, जो भी था नाम मैं वापस भूल चुका हूँ। अगला टास्क होगा आई थिंक शायद लोकल एंटरटेनमेंट, आई डोंट नो ये क्या होगा, लेकिन वो जो भी होगा देखा जाएगा, उसके लिए जाके देखना पड़ेगा। तो भाई फटाफट पहले इसको डिलीट कर देते हैं। रिचार्ज ट्रेलर, डिलीट ट्रेलर, यस एंड रिकवर। यस, अपनी ट्रक फुल्ली मतलब रिपेयर होके आ गई है। एंड इसका एक बार मैं देख लेता हूँ भाई इंजन कौन सा लगा हुआ है। जो मैंने लगाया है वो भी सही है। चलो ठीक है, जो भी है सब कुछ सही है, तो बस यहीं पे इसको एंड करते हैं। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो, आज का वीडियो बस यही था, आई होप आपको मजा आया होगा। देखा जाए तो आज का वीडियो भाई बड़े जल्दी निपट गया और बिना किसी मतलब डबल रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं मतलब चीजें कभी ना कभी कुछ चीजें भूल जाता तो कि वापस मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, लेकिन इस बार भाई देखा तो मक्खन गया एकदम। और देखा तो हाँ, अब ये छोटे हाथी की औकात में मतलब चीजें जाने लगी, आज शायद जल्द ही हम लोग कोई नया ट्रक लेंगे, देखते हैं आगे पता चलेगा। सो अगर आज का वीडियो पसंद, अगर आज का मेरे गेम प्ले पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो पहली बार मेरे चैनल या फिर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब ठोको, शेयर करो फ्रेंड लोग के साथ एंड प्रेस करो लाइक एंड फॉर डेली अपडेट्स। सो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी स्नो रनर के किसी और एकदम ऐसे ही भारी भरकम लोड वाले वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए टाटा बाय।